नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN न्यूज। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए अंदाज में दिखे। मंगलवार को हैदराबाद के जुबली हिल्स में उन्होंने ऑटो की सवारी की। सोशल मीडिया पर हैदराबाद की सड़कों पर घूमते उनका 45 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो के पीछे सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ता दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। तमाम पार्टी नेता वोटरों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। मंगलवार को राहुल गांधी भी अलग अंदाज में नजर आए। हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने महमूद पैराडाइज फंक्शन हॉल में ऑटो चालकों, श्रमिकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ऑटो की सवारी करते भी दिखे। कांग्रेस नेता का ऑटो रिक्शा में सवारी करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 45 सेकंड के वीडियो क्लिप में राहुल गांधी अपने सुरक्षा गार्डों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे हुए एक ऑटो रिक्शा में सवारी का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर महीने में हैदराबाद की सड़कों पर बच्चों को अपने हाथ से डोसा बनाकर खिलाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। तेलंगाना में KCR की पार्टी BRS और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच लगातार यहां पर ओवैसी और बीजेपी कड़ा कंपटीशन तो दे चुकी है, लेकिन यहां पर ओवैसी हार मान चुके हैं और वो अपने बयानों में कह चुके हैं कि फिर दोबारा KCR की सरकार यहां पर आने वाली है। लेकिन बीजेपी लगातार यहां पर राजनीति समीकरणों में लगी हुई है, यहाँ पे लगातार अपने चुनाव प्रचारों में नए नए वादे कर रही है, यहाँ पर तुष्टिकरण की बात करती है, यहाँ पर KCR को फार्म हाउस वाली सरकार बताती है, यानी सारी कोशिशें यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर कांग्रेस और KCR के पार्टी BRS को कड़ा कॉम्पिटिशन दिया जा सके। तो अब वो तो देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज। धन्यवाद।